हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं रॉकस्टार वाइंस चैनल से आशा वाली भौजी मनी मेरा वाइन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। साला मूस के दवाई खिया के मुएम तोहियो फसम, ससरी में फसरी लगा के मुएम तो में ज्यादा रिस्क बा, डंटा से मार के मुएम तो मुहल्ला में हल्ला हो जाई तो इज्जत प्रतिष्ठा खराब हुई। भगवान रहुए ऐसा कुछ करती कि सुबेरे आंख मिसते उठती तो मेहरारू के लाश पैती, कितना मजा आवैत रे दादा। तो मेहरारू जाय दी का करब, अब हम इहे आस पे दिए तानी कि सारा बियाहल मरद के इहे हाल बा। जो रे सर्वा मरद काहेला मरद में जन्म ले ले सब ने कुकुर रहते का बुओ। बियाह के बाद ऐसा नौबत आ गेल कि गरिया जात के बर्तन हरिये मजत रह। प्रणाम फूफा जी, सब रहुए दिन बस रहूं। एगो तो रॉड लड़की से बियाह करेला वहां तक तो ठीक रहे, ओकरा बाद का जरूरी रहे 50,000 रुपया दे के आशा में नौकरी लगावला के। अभी तो खाली बर्तन धो देखा तारा, बिना गोर जोतवले तो सूतना देवेला भसड़ी। ठीक कहले पापा, तू माई के मुआ देला, कम से कम हिमो गैया से तो बचल बारो, तभी नु गांव समाज में सर उठा के चलला। अरे बुरी चुप ना जानलिस त काथी बोललिस। अब भाइयो कौन मरद हउ, कौन काम से बड़ी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं खे। ऐसे ही हमारे मेहरारू के सारे सारे ब्लाउज फिचला पड़ल बा। अरे कोई करलक, हम जाई दिनी बाहर कमाए खोटा है, यही से सोचनी है दोनों लइकवा के इधर रोक दी, कोई दिक्कत ना नू होई। अरे कोनो दिक्कत नहीं खे, अपन घर द्वार बा, खाई पी काम काज करी रख दो। घर में दू जानी से तीन जानी हो जाइए तो गाने में लूती लगा के धान का दे। ओ भगवान, घर है धर्मशाला ना है, जे अलै गार जात के रह जतै। अच्छा ये है इनकी मेहरारू। अरे बर्तन हड़िया करिया भेल लगा धो धा के बढ़िया कर देनिया, और सारी साया बिलाज फूले ले धैये देले बनी। अब हाँ धोला, नाश्ता पानी बना देले बनी, जा नाश्ता करला। कहे कर लई बारा लेट भेलै हे। जा सरौ, तू हमर भाई ना रहल ना त ए मेहर मऊ अपन पर तोर मुंह में मुद देती। देर होतै ना, बकरी दू गो बच्चा दे और लई हे, एगो गिरा देलो या एगो होते न रहलई हे, तब जाके रसरी बांध के एगो घिचनी आई हे। आ वो झड़ गिरावे में आधा घंटा अलगे से लगलई हे। हमरा बारा खुशी हो गेलै सुन के कि तू बकरियों के डिलीवरी करावेलु, गांव के कितना बकरी के डिलीवरी करा देलु। आशा यही त बनले बारू तमाशा कर। बाबूजी, तो खाना खा के आल बनी कि घरे जाके खाना खाए? तोरी बहन के रखे लाड़ पापा तो इससे रिश्तेदारी तब का हम नियो के ले चले बाबूजी बाहर, आ तू बिल्डिंग मरिया आम छोड़ धरा। चल ठीक बा। ए कहे कर लखा कि मुतना के मौकी के दर दुख रहल हिया, जबाऊ का मुतना आर लखा बुलावे। जाए के होतई हम अबई त खबई, बाकी तू साया धो के पसार दी। मम्मी जी, मम्मी जी, बुझा तो लेके हमारे मेहरारू के ना इंकारे होए वाला बा। अच्छा साले, खाली पतोहिया कुछ हो जाएगा ना तेरा गान में लाता उसकी मुआ देनी, तब वो अपने पटदार के औलाद ना। बर्बाद कर ली जो बैठले बैठले थरिया होता चल ले बाप के गड़िया में। देह खराब हो जाई, अपन देता लार ना समराता, पतो के चिंता कैले बारन। इने बाप बेटा अपने में गौर कटवल करो लोगन, उन्हें मुतना बहुत दर्द से मरल जाता थे, कुछ हो जाता ही नहीं तो बापा भैया आता हुआ घरों में आग लगा देता हूँ। बहु ब्रेपा, अब बाबू रे कैसा बुझाता? अच्छा थोड़ा जरा बर्दाश्त करो। आहो जितना देर से दर्द उखड़ बा अभी ले तो लड़का हो जाएगा चाहिए ना। दाल भात कौर नहीं कि सट सट खा लेनी, फट फट निकाल देनी। साला में ही से कहत रहे कि घर के छोट मोट काम करवात रह, सुबह शाम झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, लेकिन ना पोतो हमर हे हाल में होई काम करी। और नहीं तो क्या बस माधुरी की है, तो लेके झोल खा पागल है क्या लेके औरत, तो ले देवता पितर से भख। अरे चुप, हमरा से भेज जान रे। सुनी ना एगो काम करत है, कुर्सी ले अवेले आए तो ही तीन गो पर के पति बाऊ का, वरना ऐसे पति से होई जाता है तो ना होना अच्छा है। हां यूं सही रही, जा लेके आओ।
जा जितना बुढ़ाता रहो उतना दिमाग गाड़ में घुसल जाता टे। जाई आशा के बोला के लिए आई बिना हॉस्पिटल में गले रहो पोता खोता से बाहर नहीं खे आए वाला सब साल लेकर चल रहे होगा एक सुबह से कहता जाके आशा को बुला के ले आओ आशा को बुला के ले आओ जाता घूम के चला होता फिर जाता फिर घूम के चला होता तो हम बार करी उ भोसरी के एक समय से बुलावता नहीं तो पश्चिम टोला गेल बाड़ी बकरी के डिलीवरी करावे। अरे सरकार उसको महिला का डिलीवरी का पैसा दे रही है कि माल डाल का हम कह जानी छोड़ी खोचरी के बाद पहले मौकी ठीक रहल जॉब बुलावल जात रही तब आ जात रही जॉब से आशा में नौकरी लगल मौगी तो सतरंगी हो गए तो रंगे तल ना चिन्ह अबू है जो एक बार और देख लिया जो जो सर सर कब तक ले मुजरिम को डिक्की में बंद रखिएगा ले चलिए थाना पर साला के कोनो दफा में अंदर कर दिया जाएगा साला नेटवर्क लाल के माल का छेड़ा है उसके लिए कोई भी दफा कम है। दरोगा जी वाह साले को क्या बा साले थे कंटू सर जी माफ कर दीजिए अब से ऐसा गलती नहीं होगा नहीं होगा साला हम पेट्रोलिंग के पेट्रोल बेच बेच के माल पटाए तू उस पर लाइन मारेगा साला लंडू पंडू पेट्रोल बेच के सर मुंह तो लॉर्चेट लेखन है इसका रे इसका सर कितना मुजरिम को अपना गैस गोदाम से दमा धरा दिए और तू नेट्रोल लाल का माल का छड़ा गैस गोदाम थोड़ा कहल कर सर सर माफ कर दीजिए आपके माल के कसम अब गलती नहीं करेंगे कभी भी सर साला माल के कसम देता है माधर चुआट खोल खोल के उस पे पाद रहे हैं हिसाबे से पादिएगा ऐसा ना हो कि आपका टंकिया धुआ जाए। सर एगो बात बोले बिना मतलब के अभी वो खोची लड़की के पीछे पड़े हुए बाल बच्चेदार मेहरारे वाला आदमी को इससे शोभा देता है इसके आगे एक शब्द भी ना तो बंदूक निकाल बंदूक संभाली तो जा नहीं रही सरकारी बंदूक बहुत भारी होता है तनका जवान पर लगाम रखिए बहुत बोलते हैं आप सर एक बात बताई तो माल के लेके बात बात पर टेढ़िया जाए ले पिछला जन्म में झाट रहे क्या खूब बोलने लगे हैं दुबे जी माल के कसम दे दिया है उसको निकाल के बिलगाइए आगेलू काहे लायलू है एक बार आई तो छठियारवा में मछली भात खा या बॉक्सिस ले दे ना ये दीदिया तनी सत्यनारायण जी के पकड़िया ने बियाए वाला रलैया वही में चल गिर रही नी पुतरी झोरे ना गिरावत रलैया तो अब के रसरी से एगो बाचा खींच ले आवत है कथा ना करो पतो के अस्पताल लेके चलो जल्दी सुनी ना इतना हड़बड़ी बात जाई प्राइवेट में पेट खुलवा के पोता खिला ली सूरत नारू कदून हम काथा बाथा कैले बनी भोसरो आशा ना रहतु तो अभी तोर दासा बिगाड़ देती ए दीदी छोड़ी इनकर बात हॉस्पिटल में फोन करिया गाड़ी जल्दी मंगाई बाप रे बा बाप रे बा ए चुपा बारा चिलैलु हमनी के चार चार गो लइका भेलै त इतना लार ना चिलैनी है क्या ये क्या बात होती है ए जमना काम से अलवारू काम कर ज्यादा चिल्ला चिल्लट वाला बात मत कर माने हम चिल्ला तनी इतना हमर बात खराब लागता हम नानू को नहीं मेरे कुछ नहीं मत कर पेट फुलावेला फोसरी तू फोन लगाई बे के कुछ चाहता रे बुढ़ौती में ढेर लोल चलता तो जा अब अपन गोर हाथ अपने चलावा आ लइका जन्मावा हम चलनी अरे किस बात की आशा है भाई एक सवेरे से नु पिंडो गतिन ओई से मुंह से कुछ उझट निकल जात है आ त कह द मुंह में लाता ठूस के रहेला आशा बानी बतासा नहीं कि पानी में धरते गल जाई हंड्रेड पुलिस हेलो हेलो हाँ जी बोलिए जी हम गीता देवी बोल तनी आशा जी प्रणाम तनी आई ना पुरबुआरी टोला घुंगरू जी के घरे इमरजेंसी बा का हुआ है ना ना अभी भेल नहीं के होखे वाला बा आई रुआ आई जल्दी आई दुबे जी गाड़ी स्टार्ट कीजिए अरे पुलिस वाले को बुला लिया वो क्या कर डिलीवरी करवाएगी गधी सही देख तो लेती देखो तो पहले कौन आए हैं खाकी वर्दी वाले डॉक्टर चलो चलो झटक ले चलो बिदागी ना होता आ, आ, आ,
द्वार पर पुलिस। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कहीं ना कैसे अलग गाड़ी से। पहले ही बताओ यहाँ कांड क्या हुआ है। कांड अच्छा ये औरत कांड की है। पांडे जी। यस सर। दुबे जी। यस सर। दोनों तीनों का गाड़ी में बैठे ले चली थाना। हाँ सर वो देवी को गलत फैमिली भेल बा। हमारा पतो जगह तो लड़का होके वाला बा। लड़का होने वाला है। अच्छा ये बताइए गुरु जी का यही घर है का। घर तो ये बा। हमन मन घुंगरू जी। अच्छा ये बताइए आशा गीता देवी कौन है। ये रही। फोन का बुलाई है इमरजेंसी में। जी सर गीता आशा देवी हम ही है। उ कहा कि 102 डायल करे के चाहिनु तो एक अधुगो चीरो दबा गेल। अच्छा अनपढ़ गंवार होके आशा में नौकरी करती है शर्म नहीं आता है। छी सर इसके आगे मत पूछने लगिएगा अभी तो अनपढ़ है। पांडे जी गाड़ी निकालिए चलिए। अरे वो जाएगी कैसे। अरे निपुतरा सरकारी गाड़ी के आस पर लेकर जन्म बे मर जम तब गोरा चलेबे ना। सब इशारा बुढ़ाट के चलते होता प्राइवेट में गेल रही तो कब लड़का हो गया रही करे माई तब का ये बुढ़ाटवा के फुटवा रहती तब नहीं बुझाती है। तो निके चुप रहा बुआ रहबा लोगन। सर जब तक एम्बुलेंस आई तब तक बारा लेट हो जाई तनी रउआ अपने गड़िया से हॉस्पिटल तक छोड़ दी ना ओकरा बाद रउआ थाना में चल जाए। जी जी सर सही बोला तरी आशा जी। कैसे इशारे कर सर हर बात तो दुश्मन तलाई होबे करता है आज लाचार औरत का मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है बैठाओ आवाज आवाज आवा पहली बात है एम्बुलेंस का काम पुलिस वाले कर रहे हैं बहुत सही। ये बोनट से ही बैठ के जाता है हमेशा लदे पड़े। अल्ले क्या हुआ पाड़े जी क्या गड़िया बंद हो गया। रुके सर देखते हैं पता ना बोनट अगर गरम हो गया ना तुम्हारा पिछवाड़ा सिक जाएगा। सर सब चीज तो ठीक है एगो काम कीजिए ना सबको अंदर से निकलवाइए आधा कार्ड दिवाइए तो ए सब आदमी गाड़ी में से निकलो। अपने लड़के कोई कूट रहा था तो ये पुलिस की गाड़ी है कि क्या है, है? मम्मी जी बहुत गर्मी लगा था तनी बाहर निकली ना बाहर निकल। हाँ अब अपनी तो अमाइन माई अब अबू हो दादरे दादा अब अपनी पा जितने रिश्तेदार सब याद कर रहे हैं। कौन पुलिस वाला गाड़ी है कि एसयू ना है दूरो। हाँ स्टार्ट हो गया बाबा बैठ बैठ ओ बच्चा रास्ते में ही ना हो जाए। जैसे ही बैठती है वैसे ही बंद हो जाती है। जैसे ही बैठती है वैसे ही बंद हो जाती है। मर मुदई के कैसन गाड़ी है बार बार बंद हो जाती। अच्छा आशा कुटेगी नौकरी बिना हमर जुजी करी ए तो हम ही करावत नहीं का हम ही चालू बंद करावत है। ए कैसा औरत है जब भी बैठ रही है तभी गाड़ी बंद हो जा रहा है। दुबे जी यस सर इसको बाहर निकालो बोनट पर बैठाओ। अबे पागल है क्या ये प्रेग्नेंट औरत है। बोनट सर पगला गए हैं का गर्भवती औरत बोनट पर जाएगी। नहीं जाएगी। दुबे जी सबको उतार दो यहीं पे छोड़ दो हम लोग चलिए। अरे सुनी ना सर हमनी के यहाँ उतार देम तो दोसर गाड़ी कहाँ से आई। सुना ना दुल्हन आवा बरनटवे पर बैठ जा।
खा जाएंगे तुम। कहा देखा है साला, क्या प्रेग्नेंट औरत हुआ ले। हो गया बेबी है। तो ये कैसा पुलिस वाला है, दिमाग से पैदल बिल्कुल है। कहाँ देखा है तुमने, कौन सा पुलिस वाला इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार होता है कि हाँ एक गर्भवती प्रेग्नेंट महिला को बोनट पे बैठा के ले जा रहा है। एक तो खुद साला मतलब बोनट पे बैठ के चल रहा है, खुद कानून तोड़ रहा है ठीक है, और उसके ऊपर से यहाँ एक और क्राइम कर रहा है। तुम पुलिस वाले हो है, तुम्हें तो खुद ही अंदर कर देंगे ठीक है, कुछ किसी और पुलिस वाले ने देख लिया। और ये गाड़ी है क्या है, है? सारा खटारा मतलब बार बार बंद हुई जा रही है, बार बार बंद हुई जा रही है। सबसे पहले तो आशा रानी तुमको पकड़ना चाहिए, तुमको पकड़ना चाहिए है? अपनी बड़ी शान में हो है? इतना ज्यादा शान में हो कि 102 की जगह 100 नंबर डायल कर दी। वाह बहुत सही, ऊपर हाथ दे यार, ऐसा एटीट्यूड। मतलब वो होता है ना कि भाई गांव में अक्सर ऐसा हम लोग ने भी देखा है कि हाँ गांव वगैरह में जो भी ये आशा या आंगनवाड़ी या इस टाइप की जितनी भी महिलाएं होती हैं जो थोड़ा बहुत मतलब काम कर रही होती है ना, इनके अंदर एटीट्यूड सातवें आसमान का होता है। किसी और औरत को ये इंसान समझेंगी ही नहीं है ना कि हाँ वो भी इंसान है। कि चार बच्चे हमने पैदा कर दिए, हमने नहीं इतना चिल्लाया। अरे सबकी बॉडी अलग अलग होती है, समझ आया, किसको कितना दर्द हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है ठीक है, किसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है। ये कैसी आशा है जिन्हें जरा सी भी आशा नहीं है, ना किसी को आशा देना जानती है, साले निराशा ही निराशा है। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।